Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 3, exercise 6.2, class 6. Convert the following fractions into decimal numbers by equivalent fraction method. First part mein given fraction hai 5 by 2. So, yahan par denominator mein hai 2. So, that means denominator mein humare paas 10, 100 ya phir 1000 nahi hai. So, equivalent fraction method mein hum first step kya karte hain? कि डिनोमिनेटर को हम 10, 100 या फिर 1000 में चेंज करते हैं. सो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है हमारे पास 2, तो 2 को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट 10. सो दैट मींस हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा. सो हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5, ठीक है. सो 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5. So, this is equal to 25 divided by 10. So, अब हमारे पास ये वाली जो fraction आई है 25 by 10, अब यहाँ पर denominator में हमारे पास 10 है, okay? So, इस fraction को अब हम decimal number में change कर देंगे. So, this is equal to numerator वाला number लिख लो 25. अब यहाँ पर denominator में 1 के बाद है 1 0. So, यहाँ पर राइट मोस्ट साइड से एक डिजिट छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड पे लगाना है हमने डेसिमल. सो दिस इज 1 डिजिट, इसके बाद लगेगा डेसिमल. सो दिस इज 2.5. सो इसी मेथड को बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड. सो अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 नहीं है, बट कोई ऐसा नंबर गिवन है जिसको अगर हम किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10, 100 या 1000 आ सकता है. जैसे इस केस में हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर था 2, सो 2 को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10. सो उसी नंबर के साथ हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को फिर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है. सो दैट फ्रैक्शन की एक्चुअल वैल्यू में कोई डिफरेंस ना आए, ठीक है. एंड उसके बाद जब हमारे पास इस टाइप की फ्रैक्शन आ जाएगी जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 होगा, उस फ्रैक्शन को फिर हमने डेसिमल नंबर में चेंज कर देना है. सो दिस मेथड इज नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड. सेकेंड पार्ट है 3 by 4. सो 4 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 100. सो वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 25. 3 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 25. सो दिस इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 100. अब हमने लगाना है डेसिमल. सो दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर का नंबर लिख लो 75. अब डिनोमिनेटर में 1 के बाद हैं 2 जीरोस. सो 75 में राइट मोस्ट साइड से 2 डिजिट काउंट करके लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लगाना है डेसिमल. सो 1 डिजिट, 2 डिजिट, लेफ्ट हैंड साइड पे लग गया डेसिमल. सो 0.75 इज द आंसर. थर्ड पार्ट है 28 by 5. अब 5 को अगर 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 100. सो वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 20. सो 28 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 20. सो दिस इज इक्वल टू 2 8s are 16, 1 कैरी, 2 2s are 4 प्लस 1 5. So 560 divided by 100. So this is equal to numerator का number लिख लो 560. अब denominator में 1 के बाद हैं 2 zeros. So right most side से आपने left hand side की तरफ 2 digits count करके left hand side पे लगाना है decimal. 1 digit, 2 digit and left पे लग गया decimal. So this is equal to 5.60. अब इस केस में ये जो लास्ट वाला जीरो है ना, इसको हम स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 6.1 में भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि डेसिमल के बाद जो एंड में जीरोस लगते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है. सो 5.60 इज इक्वल टू 5.6, ठीक है. सो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5.6, ठीक है. सो दिस इज द आंसर. या फिर आप क्या कर सकते हो, यहीं पर ये जो लास्ट वाले जीरोज़ हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे. सो यू विल गेट 56 डिवाइडेड बाय 10. सो आप 56 डिवाइडेड बाय 10
इतना सॉल्व करके उसके बाद डेसिमल लगा दो, सो वो भी ऐसे ही लगेगा। न्यूमिरेटर का नंबर लिख लिया 56, डिनोमिनेटर में 1 के बाद है 10, सो राइट मोस्ट साइड से एक डिजिट छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड पे लग जाएगा डेसिमल। ओके, सो आप इस तरीके से यहाँ पर जीरोस को आपस में कैंसिल करके ऐसे डेसिमल लगा सकते हो, या फिर आप जब 5.60 तक सॉल्व कर लोगे तो एंड में आप जीरो को रिमूव करके 5.6 लिख सकते हो। ओके, फोर्थ पार्ट है 135/20, सो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करके वी विल गेट 100, सो वी विल मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5। 135 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 5, सो दिस इज इक्वल टू 5 5s are 25, 2 कैरी, 5 3s are 15 प्लस 2 17, 1 कैरी, 5 1s are 5 प्लस 1 6, सो ये आ जाएगा 675। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 100। अब हम लगा देंगे डेसिमल, सो न्यूमिरेटर का नंबर लिख लो 675। अब डिनोमिनेटर में 1 के बाद हैं 2 जीरोस, सो राइट मोस्ट साइड से 2 डिजिट काउंट करो, 1 डिजिट 2 डिजिट, उसके लेफ्ट में लगा दो डेसिमल, सो 6.75 इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट है 17/4, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 100, सो वी विल मल्टीप्लाई बोथ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 25। 17 × 25 / 4 × 25, सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 7s are 35, 3 कैरी, 5 + 3 8, मल्टीप्लाई बाय 17 2s are 34, सो ये आ जाएगा 5 8 + 4 12, 1 कैरी, 3 + 1 4, सो 425/100। अब लगा दो डेसिमल, सो न्यूमिरेटर वाला नंबर लिख लो 425, डिनोमिनेटर में 1 के बाद हैं 2 जीरोस, सो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड पे आपने लगाना है डेसिमल, 1 डिजिट 2 डिजिट, लेफ्ट हैंड साइड पे लग गया डेसिमल, सो 4.25 इज द आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।